नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पैलेटर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ कंजक्शन सीरीज का वीडियो पार्ट 8। दोस्तों आज हम सभी लोग कंजक्शन के वीडियो पार्ट 8 में ये चीज़ देखने वाले हैं कि कंजक्शन का जो सेकंड टाइप होता है जिसे कि हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के नाम से जानते हैं, इसका आज हम लोग थर्ड टाइप देखने वाले हैं जिसे कि हम लोग कंजक्शन ऑफ काज या फिर कंजक्शन ऑफ रीजन बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि कंजक्शन ऑफ काज या कंजक्शन ऑफ रीजन होता क्या है, उसके बाद जानेंगे कि कंजक्शन ऑफ वर्ड कौन कौन से होते हैं, कंजक्शन ऑफ रीजन या कंजक्शन ऑफ काज के कौन कौन से वर्ड होते हैं, उन सभी वर्ड को एक एक करके हम देखने वाले हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सेंटेंस को कारण शब्द के रूप में जोड़ते हैं उन सेंटेंस को हम बोलते हैं कंजक्शन ऑफ रीजन और कंजक्शन ऑफ काज सेंटेंस। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके वर्ड कौन कौन से हैं। तो इसके हमारे पास तीन वर्ड होते हैं दोस्तों। पहला चीज़ दिया है बिकॉज, दूसरा जो दिया है सिंस, और तीसरा जो दिया है एज। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, सिंस मीन्स होता है चूंकि, और एज मीन्स भी होता है चूंकि या फिर आप जैसा कि भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है बिकॉज क्योंकि, ही विल कम बिकॉज, ही विल कम वह आएगा बिकॉज क्योंकि, ही नीड्स मनी उसे पैसे की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे रीजन दे रहा है, कारण दे रहा है। अगला आता है आई विल ईट, मैं खाऊंगा बिकॉज क्योंकि, आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ, मैं खाऊंगा क्योंकि मैं भूखा हूँ। अगला आता है यू कैन बीट मी आप मुझे मार सकते हो बिकॉज यू आर पावरफुल क्योंकि आप शक्तिशाली हो, आप पावरफुल हो। अगला आता है दोस्तों सिंस, सिंस मीन्स होता है चूंकि, इसका होगा एग्जाम्पल आई विल हेल्प यू मैं आपका हेल्प करूँगा, सिंस मीन्स चूंकि, यू सेड टू मी पहले आप मुझसे कहो, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से यानी कि मैं आपका हेल्प करूंगा चूंकि आप कहो, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है कि ये कारण पूछ रहा है, यानी कारण चाहिए इसको। अगला आता है दोस्तों सिंस यू नो, चूंकि आप जानते हो वेरी वेल अच्छी तरीके से, योर एग्ज़ाम विल गो बेटर आपका एग्ज़ाम जो है अधिक सही जाएगा, यानी कहने का मतलब ये चीज़ है चूँकि आप पहले से ही जानते हो इसलिए आपका एग्ज़ाम सही जाएगा। अगला आता है दोस्तों वी विल प्ले सिंस, हम लोग खेलेंगे सिंस चूँकि, इट डज नॉट रेन बारिश न हो यानी कि वर्षा न हो, हम लोग खेलेंगे चूंकि वर्षा न हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कारण पूछ रहा है। अगला था एज, एज मीन्स होता है चूंकि या फिर जैसा कि, एज यू हियर्ड जैसा कि आपने सुना है, आई विल गो टू मार्केट मैं बाजार जाऊँगा, जैसा कि आपने सुना या चूंकि आपने सुना मैं बाजार जाऊँगा। अब अगला था दोस्तों आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूँ, एज जैसा कि, सर हैज गिवेन क्वेश्चन, सर ने क्वेश्चन दिया है। तो दोस्तों इस टाइप के वर्ड जो होते हैं हमारे पास सिंस और बिकॉज और एज, इस तीन टाइप के जो वर्ड होते हैं यही जो है कि कंजक्शन ऑफ काज और कंजक्शन ऑफ रीजन कहलाते हैं। तो दोस्तों आज का जो है कि हमारा टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करें, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।